सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट पेपर डिस्कस करेंगे जो डीएड एचआई सेकेंड ईयर का आज का पेपर था, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर द स्पेशल टीचर के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज के पेपर पे। आज की वीडियो में उस पेपर को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर को देखेंगे। दोस्तों अली अवर जंग राष्ट्रीय वाक् व श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई, जिसे AYJNISSD बोलते हैं, उनका ये पेपर है डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट का, जो आज पेपर कंडक्ट हुआ था, कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो दोस्तों 2 आवर्स का ये पेपर हुआ था, तो इस पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका पोर्शन था जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे MCQs बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, गणित की प्रकृति है, सजावटी है, मुश्किल है, तार्किक है या सभी के लिए नहीं, तो इसका सही आंसर होगा तार्किक। गणित एक तार्किक पद्धति वाला सब्जेक्ट है। गणित शिक्षण की विवेचनात्मक पद्धति के सिद्धांत खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये पद्धति है विशेष से सामान्य की ओर। विवेचनात्मक पद्धति नाम से क्वेश्चन जो आया है आपका, ये जो बड़े क्वेश्चन आए हैं उनमें भी आया है। इंडक्टिव मेथड को यहाँ पे ये विवेचनात्मक पद्धति के नाम से जान रहा है। इंडक्टिव मेथड जिसे आगमन विधि बोलते हैं, तो ये विशेष से सामान्य की ओर के सिद्धांत पे कार्य करती है, शिक्षण सूत्र पे कार्य करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना है? तो दोस्तों रचनात्मक, योगात्मक, संगणक प्रक्रिया मूल्यांकन, तो इसमें सही आंसर है रचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव जो इवोल्यूशन होती है आपकी, उसका काम होता है कि वो सुधार करे, सुधारात्मक प्रकृति होती है, वो फीडबैक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि श्रवण बाधित छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ है? दोस्तों ये सेम ऐसा क्वेश्चन एक रीट के एग्जाम में भी आया था। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ना नहीं जानता, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विज्ञान और गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है सोचने की शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दोनों दोस्तों दोनों ही सही हैं, ए और बी, तो इसका आंसर सी सही आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पूर्ण से अंश की ओर बिल्कुल सही है, सरल से जटिल की ओर बिल्कुल सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, लेकिन सहज से सरल की ओर नहीं है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्र खालिस्तान में निष्क्रिय रहते हैं, इसमें बता रखा है प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, स्वयं अध्ययन विधि, अनुमानी विधि। दोस्तों तो जो छात्र हैं व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इसे भाषण विधि भी कहते हैं, टीचर भाषण देता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं। फील्ड ट्रिप के दौरान खालिस्तान छात्रों को विविध अनुभव मिलते हैं, छात्र एक साथ बनते हैं, छात्र को नई चीजें देखने को मिलती हैं, उपरोक्त सभी, तो इसका जो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि फील्ड ट्रिप में सारी चीजें ये मिलती हैं आपको। नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के संबंध में प्रासंगिक नहीं है? यह बाल केंद्रित होना चाहिए, इसके लिए विशिष्ट शैक्षिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं है, यह सरल से आसान होना चाहिए, उन्हें कथा में पढ़ाए जा रहे विषय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, इसके लिए विशिष्ट शैक्षिक मूल्यों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विज्ञान पाठ्यक्रम का लक्ष्य खालिस्तान होना चाहिए, विशेषज्ञता हासिल करने के लिए विषय को विभाजित करें, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, आलोचनात्मक सोच और पूर्वग्रह पैदा न करें, लंबे समय तक काम करने के लिए सहन शक्ति विकसित करना, सभी स्कूलों द्वारा पालन की जाने वाली शैक्षणिक रणनीति के साथ विषय वस्तु को पूरक करना, तो इसका सही आंसर आएगा डी।
अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप है सही या गलत लिखिए। तो इसमें देखते हैं अपने सही या गलत में। प्रयोग सिद्ध से तर्क संगत यह विज्ञान सिखाने की तकनीकों में से है। प्रयोग सिद्ध से तर्क संगत, तो ये बिल्कुल सही बात है। अनुमानी पद्धति द्वारा अध्ययन करना घर की पढ़ाई व याद करने के काम को हल कर दिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अनुमानी पद्धति अन्वेषण की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे ह्यूरिस्टिक मेथड की बात हो रही है यहाँ पे। बड़ा छोटा भारी हल्का ये संकल्पना गणित सीखने के पूर्व क्वेश्चनों का उदाहरण है, बिल्कुल सही है ये। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विज्ञान और गणित परियोजना में सुधारित सामग्री एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग उपकरण में विकल्प में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये इम्प्रोवाइज एड्स की बात कर रहे हैं, कबाड़ से जुगाड़ बनाने से बोलते हैं। श्रम बाधित बच्चों को गणित केवल शिक्षक केंद्रित पद्धति द्वारा सिखाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो चार ऑप्शन सही है, पांचवा गलत है। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें देखते हैं अनुमानी पद्धति का केंद्रीय सिद्धांत है जो अन्वेषण पद्धति है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, वो बच्चे को खोज करने पे फोकस कराती है। खोज करना सीखने की प्रक्रिया को जांचने के लिए खासतौर पर का मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पहले बात की थी रचनात्मक, इसमें सुधारात्मक सुधार करते हैं, सीखने की प्रक्रिया के बारे में जांचते हैं। कक्षा में परिचयात्मक प्रश्न पूछने अध्यापन के खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे मैगजीम की बात कर रहा है, शिक्षण सूत्र की बात कर रहा है। इंग्लिश मीडियम में आप इस पेपर को देखेंगे तो वहां पे मैगजीम वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं बच्चे से तो आपको पूर्व जो ज्ञान है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। अनुमानी पद्धति के प्रथम अन्वेषक हैं एच आर्मस्ट्रांग, हेनरी आर्मस्ट्रांग इनका नाम है, एच ई आर्मस्ट्रांग बोलते हैं। खालिस्तान विषय का अध्ययन छात्र के प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता को सुधार करता है। तो दोस्तों विज्ञान, विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में ही प्रयोग और विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था, जो पोर्शन था कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, परियोजना पद्धति की विशेषताएं बताइए। आप लिख सकते थे प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए जोड़ना सिखाने के लिए कोई पांच गतिविधियां, द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए पांच गणित अवधारणाएं, दो अंकों के गुणन सिखाने के लिए पूर्व आवश्यकताएं, विवेचनात्मक व वियोजक पद्धति में भेद, शिक्षकों के लिए विशेषों के बीच में यह सहसंबंधों को समझाने की आवश्यकता, गणित पाठ्य पुस्तक में अनुकूलन की आवश्यकता, विज्ञान अध्ययन की शैक्षिक मूल्य है। तो दोस्तों ओवरऑल बात की जाए पेपर इजी था, इसमें आप आराम से पास हो सकते हैं अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके कितने आंसर सही आ रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सके।